कड़ी में डूबे नरम रसीले पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं। अलग अलग जगहों पर कड़ी बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल कड़ी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बाउल बेसन का लिया है और इसमें हम दो कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, एक चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच इसमें हम साबुत धनिया ऐड करेंगे और इसमें हम एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे गाढ़ा। पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गाढ़ा बैटर इसका बना लेंगे हम। अब गैस के फ्लेम में मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हम तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। अब इसमें हम तेल में हम बेसन ऐड करेंगे और पकोड़े इसके फ्राई करेंगे। आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं पकोड़े का, मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ रखा है पकोड़े का। और गैस का फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए, गैस का फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, ताकि जिससे ये अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। ये देखिए एक साइड से सिकने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे और दोनों साइड से हम अच्छी तरह से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम प्लेट पर निकाल लेंगे। एक बैच पकोड़े का फ्राई हो गया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसी तरह दूसरा बैच भी हम पकोड़े का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब जिस बाउल में हमने पकोड़े के लिए बेसन ऐड किया था उसी में हम एक थैली छाछ ऐड करेंगे। मैं छाछ में ही बना रही हूँ कड़ी और मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी आप दही में नहीं बनाएं, छाछ में ही बनाएं, क्योंकि छाछ में बहुत अच्छी कड़ी बनकर रेडी होती है। अब दो चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, एक चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको हम बैटर बना लेंगे और इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अच्छी तरह से इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए इस तरह मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग ऐड की है, आधा चम्मच इसमें राई ऐड की है। अब राई और हींग के चटकने के बाद अब इसमें हम जो छाछ में हमने बैटर ऐड किया था बेसन का वो ऐड कर देंगे और इसको हम चलाते जाएंगे ताकि लम्स नहीं पड़े। ये देखिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं। ये देखिए 2 गिलास इसमें हमने पानी ऐड करने हैं। आप जितनी भी चाहे कड़ी पतली रखें या गाढ़ी रखें उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक, इसको हम इसी तरह चलाते जाएंगे और उबाल आने तक इसको हम पका लेंगे कड़ी को। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, कड़ी में उबाल आना चालू हो गया है और 5 से 10 मिनट तक हम इसी तरह पकाते जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक कड़ी इसी तरह पकाना है हमें और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है। और आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, कड़ी कितनी अच्छी तरह बनकर रेडी हो गई है। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। ये देखिए पकोड़े ऐड करने के बाद गैस का हम ऑफ कर देंगे और धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें राई ऐड करेंगे, राई हमने पहले भी ऐड की थी, 3 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इस कड़ी में ऐड करेंगे। कड़ी में मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, अब इसको हम कड़ी में मिक्स करेंगे तड़के को। अब कड़ी में मिक्स करने के बाद तड़के को अब अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे और ये देखिए कड़ी कितनी टेस्टी और कितनी सुंदर लग रही है। दिखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी टेस्टी है।
अब एक पकौड़ा मैं आपको कट करके बता रही हूँ। ये देखिए कैसे रुई के जैसे नरम पकौड़ा और कड़ी बनकर रेडी हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।